Hello guys, welcome back to another daily MPPSC MCQ part number 34 presented by me Aditya Dubey. In this lesson, we will look forward to some important MCQ pertaining to MPPSC prelims 2019. सबसे पहला क्वेश्चन है कि जयपुर इनमें से किस चीज का हेडक्वार्टर है. मींस यहाँ पे हमें रेलवे जोन्स दिए हुए हैं, चार रेलवे जोन्स, और हमें ये बताना है जयपुर इनमें से किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे. जयपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे. उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर. अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शंस की, तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के बारे में तो आप जानते होंगे, ये है जबलपुर. ओके, पश्चिम मध्य रेल का हेडक्वार्टर है जबलपुर. और अगर बात की जाए नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे की, तो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है अलाहाबाद. और अगर बात की जाए ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की, तो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर. तो याद रखिएगा, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलोंग्स टू हाजीपुर, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे अलाहाबाद, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर, और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इज जयपुर. तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए. अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है. श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज झेलम. झेलम नदी के तट पर है श्रीनगर. अगर बात की जाए हिस्टोरिकल फैक्ट की, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की. तो इसका सही आंसर है अशोका दी ग्रेट, जो कि मौर्यन एम्पायर के एक बहुत ही पावरफुल रूलर कंसिडर किए जाते हैं. अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शंस की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जमशेदपुर इनमें से किस नदी तट पर स्थित है. तो जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर. ओके, जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ स्वर्ण रेखा रिवर. अगर बात की जाए मूसी, तो वो है हैदराबाद. मीन्स हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मूसी. और अगर अलकनंदा की बात की जाए, तो बद्रीनाथ जो है वो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ अलकनंदा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में स्थित है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज झारखंड. अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि बेटला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, तो वो भी झारखंड में थी. यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा. अगर मैं बात करूँ ऑप्शन डी की, जो कि है मिजोरम, तो मिजोरम में काफी इंपॉर्टेंट एक टाइगर रिजर्व है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो है डम्पा. ओके, DAMPA, डम्पा वाइल्ड लाइफ जो टाइगर रिजर्व है वो सिचुएटेड है मिजोरम में. और अगर डालमा की बात की जाए, तो वो है झारखंड में. तो कंफ्यूज मत होइएगा. अगला क्वेश्चन है कि जारवाज ट्राइब जो है वो कहाँ की निवासी है. मीन्स जारवाज ट्राइब्स आर इंडिजिनस पीपल ऑफ विच स्टेट. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, दैट इज अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाई जाती है जारवा ट्राइब. ओके, अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, तो अगर झारखंड के बारे में तो आप जानते होंगे कि संथाल, मुंडा, हो और उराव नाम की ट्राइब यहाँ पे पाई जाती हैं. अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में मोस्टली दो ही ट्राइब इंपॉर्टेंट हैं, जो है टोडा और बड़गा. ओके, टोडा एंड बड़गा आर द ट्राइब ऑफ तमिलनाडु. वहीं अगर बात की जाए लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में केवल एक ट्राइब इंपॉर्टेंट है, जो है वासी, VASI. मीन्स वासी ट्राइब फाउंड होती है लक्षद्वीप में. और अगर जारवा की बात की जाए, तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि नागरहोल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट. मींस नागरहोल नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में स्थित है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटका. नागरहोल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट कर्नाटका. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इनमें से किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है. ऑन विच डेट द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 14th of June. 14th ऑफ जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है. वहीं अगर बात की जाए ऑप्शन बी की, जो कि है 21st of June, तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे. और अगर बात की जाए 27th ऑफ जून की, तो 27th ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइज डे, मीन्स MSME डे. ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज डे. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली वर्ल्ड ब्लड डोनर डे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन डील करता है फीफा वर्ल्ड कप से. अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फीफा 2018 के ऊपर मैंने एक एमसीक्यू वीडियो बनाया हुआ है, जो आप डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू की प्लेलिस्ट नंबर 17 में आप देख सकते हैं. इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, और ये सिर्फ रिविजन परस्पेक्टिव से मैंने दोबारा क्वेश्चन रखा, ताकि आपका भी रिविजन हो सके. तो क्वेश्चन ये है कि गोल्डन बूट अवार्ड फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 में किसने जीता. गोल्डन बूट अवार्ड,
तो ये जीता है हैरी केन ने। अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हैरी केन इनमें से किस देश के निवासी हैं, तो वो बिलोंग करते हैं इंग्लैंड को। ओके, हैरी केन वन द गोल्डन बूट अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2018। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन बॉल किसको मिली, तो गोल्डन बॉल मिली है लुका मॉड्रिक को, जो कि बिलोंग करते हैं क्रोशिया को। ओके, क्रोशिया को। और अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि गोल्डन ग्लोव किसको मिला, तो वो है थिबाउ कॉर्टोए। ओके, थिबाउ कॉर्टोए वन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि बिलोंग करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि थिबाउ कॉर्टोए कहाँ के बिलोंग करते हैं, तो वो है इसका आंसर बेल्जियम। तो बेल्जियम को बिलोंग करते हैं थिबाउ कॉर्टोए। और लुका मॉड्रिक की बात की जाए, तो लुका मॉड्रिक बिलोंग करते हैं क्रोशिया को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यंग प्लेयर अवार्ड फीफा 2018 वर्ल्ड कप में किसको मिला। यंग प्लेयर अवार्ड मिला है किलियान एम्बापे। किलियान एम्बापे बिलोंग करते हैं फ्रांस को। ओके, जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2018 को जीता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पे खेला गया, मीन्स किस ग्राउंड में खेला गया फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो आपको, अगर आपको इसका आंसर पता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस कंट्री ने 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया। विच कंट्री होस्टेड द 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मॉरिशस। मॉरिशस ने होस्ट किया है 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी सजेशंस और डाउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, गुड लक।